गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। मैं थोड़ी सी तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे ब्लॉग का ही करना था। मैंने कहा यार, मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना है। मैं बहुत बेली बनी हूँ सुबह से, बेली इन द सेंस पागल टाइप की बनी थी। मैंने सोचा थोड़े से बाल अल्स उलझा लेती हूँ, बिंदी बिंदी लगा लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, लिपस्टिक भी नहीं लगाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। और हम तो आ गए थे पर वही है ना, व्लॉगिंग करने का एक दो दिन बिल्कुल भी मन नहीं होता है। घर बहुत ज़्यादा मैसी था हमारा। घर तो मतलब हद से ज़्यादा मैसी हो रखा था। मैसी इन द सेंस पैसा गंदा नहीं था, बट सोफा वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। क्योंकि क्या हुआ ना कि थोड़ी सी सीलन भी आ गई थी, तो घर में जब सीलन होती है ना तो घर गंदा सा हो ही जाता है। बाबू अपने बाल कर रहे हैं, हम सबको टैन हो रखा है। बाबू को तो देखो, बाबू हेलो को देख भाई। रहे हो चेहरा कितना डार्क लग रहा है। हम सबको टैन हो रखा है इस टाइम पे, और 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टैन नहीं है ये, एक्चुअली में वहाँ का पानी हम लोगों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो बस इसी चक्कर में। एंड मिशिका और मंस को कोल्ड है। मुझे कोल्ड पहले नहीं था, मुझे कोल्ड नहीं था, बाबू को हो गया था, मिशिका को हो गया था, मंस को हो गया था, बची थी मैं। मुझे लगता है कि मैं बची थी इसीलिए मुझे कोल्ड हो रखा था। कि मैं बच कैसे गई, मुझे बचना नहीं चाहिए था। भगवान ने मुझे भी दे दिया ही कोल्ड नाम का, एंड कोल्ड मुझे भी हो रखा है। सबको हो गया है, बाबू को भी हो गया है, मिशिका को भी हो गया है, मंस को भी हो रखा है। ये मिशिका, मंस और बाबू को कोल्ड हुआ था कहाँ से? दमो से। मुझे यहाँ आके हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी फिर चूड़ा कस ली है। मैं भी सोच रही हूँ चोटी बना लूँ क्या, बिकॉज चोटी थोड़ी सही रहती है। पर पता है क्या, चोटी बनाने का क्या रीजन है? मुझे कभी कभी ना अपनी हेयर स्टाइल का समझ में नहीं आता। घूम फिर के मेरी जो हेयर स्टाइल है ना वो जूड़े में चली जाती है। जूड़ा कर लेती हूँ मुझे, हालांकि जूड़ा अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। जूड़ा से क्या होता है, बाल बढ़ते हैं पर नीचे से खराब हो जाते हैं। मेरे बाल नीचे से खराब हो गए तो बस वैसे बढ़ने का क्या फायदा? देखो मैं बहुत जल्दी हेयर कट लेने वाली हूँ। कौन सा हेयर कट लूँ बताओ आप लोग प्लीज़ मुझे। हाँ, मेरी एक हेल्प कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वाली हेल्प कर दो। क्योंकि सच बताऊँ ना, बाल कटवाने का बहुत वो रहता है कि कैसे टाइप के बाल कटवाऊँ। काफ़ी पुचड़ू टाइप बन रही हूँ क्योंकि सामने से बाल हल्के हल्के गीले हैं ना, तो वो एकदम से चिपक गए। बट मैं यहाँ वहाँ से निकाल लूँगी, थोड़ा ठीक लगेगा फेस। क्या करूं, देखो मेरे बाल कितने ज्यादा पतले हो गए हैं पहले से। ओ पहली पहली बार हो गया रब्बा मैनू प्यार। साबुन का महीना चल रहा है इसलिए मेहंदी लगा ली है। मुझे मेहंदी बहुत डार्क रचती है, मुझे नहीं ज्यादा डार्क अच्छी लगती है लेकिन वो डार्क हो जाती है। मतलब जब मैं लगाती हूँ तो आपको तो पता ही है, बच्चों के साथ जब आप मेहंदी लगाते हो तो आप बहुत टाइम के लिए नहीं रख पाते हो। बट फिर भी ये देखो मुझे इतनी भी पसंद नहीं है, इतनी भी डार्क होना मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि ये थोड़े एक दो दिन में और काली हो जाएगी। यहाँ पे मैंने चोटी कर ली है। अब चलो हाथ धो के लगते हैं किचन में। मैं आज क्या बनाने वाली हूँ वो तो आपको किचन में चल के ही पता लगेगा, और जो भी बनाऊंगी आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। मुझे मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए था, मैंने आज ना फेस पे कुछ नहीं लगाया। मैं लगा लेती हूँ। इश्क मेरा इश्क तैनू सुन ना देवी, इश्क मेरा इश्क तैनू होन ना देवी, इश्क तेरा इश्क मैनू होन ना देवी, इश्क मेरा इश्क तैनू सुन ना देवी। आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम कम क्यों लगा रही हो। एक्चुअली में क्या होता है ना, ज़्यादा ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश का मौसम है, मेरी स्किन वैसे ही थोड़ी देर में ऐसे ऑयली ऑयली हो जाएगी। अभी फेस वॉश करके आई हूँ ना इसलिए थोड़ी सी ठीक लग रही है, थोड़ी देर में हो जाएगी। कुछ भी नहीं था आज फेस पे। फेस कितना अजीब हो गया है ना हम लोगों का, सबका ही हो गया है, मेरा ही बस नहीं, निशिका का, वंश का, बाबू का, सबका। चलो अब चलते हैं हम। चलो चलते हैं किचन में और बनाती हूँ कुछ अच्छा सा, देखती हूँ क्या बनाना है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग बोलते दी आप मांग नहीं भरते हुए, देखो कितनी सारी मांग भरी है, दिखती नहीं है मेरी मांग।
मतलब बालों में छिप जाती है अगर मैं थोड़ी सी भर भरती हूँ, बहुत सारी भरती हूँ जब भी विजिबल तभी दिखना चालू होता है। चलो 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 बनाती हूँ कुछ। सोचा चलो शाम हो गई है, खाना बिना टाइम टेबल से बन जाएगा। मंसू मिशिका दोनों सो रहे थे क्योंकि, तो ये देखिए मंसू उठ गए हैं और इनकी एक आदत है कि ये मेरी गोदी में लेट के दूध पीते हैं। तो ये मेरी गोदी में लेटे हुए हैं एंड एक और चीज़, इनकी एक और अच्छी खासी आदत है वो ये है कि जब ये दूध पीते हैं ना, तो वो दूध पीना तो वो 15 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं, बट कई बार मंस ऐसा करता है, एक बॉटल जो दूध होता है वो 200 ग्राम की एक बॉटल है, उतने दूध को ख़त्म करने में कई बार मंस 45 मिनट एक घंटा ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जैसे ही मैं दूध पी लूँगा मम्मा मुझे किसी खेल में बिदा देंगी, तो इस वजह से ये दिमाग चलाते हैं। अब आपको बता दूँ कम से कम ये कुछ नहीं तो मेरी गोदी में 40 मिनट से लेटे हुए हैं, 40 मिनट आप समझ रहे हो 40 मिनट, और अभी भी इनके दूध की बॉटल में आधा दूध है, आधा दूध है आधा। और मेरा बच्ची का बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मेरे को कितनी सारी तैयारी करनी है, करनी है ना, बर्थडे मनाना है कि नहीं मनाना है, जयराम करके बता दो कैसे करते, जयराम मंस जयराम करो, जयराम करो, जयराम दादा ने कैसे दिखाया सिखाया था बाबू को, राम राम कैसे करते, राम राम, चलो बाय करके बता दो मंश, बाय शे बाय बाबू बाय बाय। अभी वो दूध पीने में मस्त है, सुबह पापा का फोन आता ही आता है अर्ली मॉर्निंग, कई बार हम लगा लेते कई बार उधर से आता है, तो जैसे ही जो पापा को दिखता तो ये ऐसे करता है, मतलब कि इसको पता है पापा ऐसे बोलते बताते सिखाते थे कि जयराम, तो वो ऐसे ही करता है जयराम। ये दूध फिनिश करे तब जाके मैं काम कर पाऊंगी, और दूध फिनिश नहीं करेगा अभी, मैं आपको इतना लिख के दे सकती हूँ कि अभी आधा घंटा और ले लेगा, आधे घंटे बाद मिलती हूँ। तो रात के बज रहे हैं 9:30, जी हाँ गई 8:30 बजे से मैं तैयारी कर रही थी कि चलो खाना बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बट खाना नहीं बन पाया। मिशिका उठ गई हैं, मिशिका नीचे तक गई हैं अपने पापा के साथ मेरे लिए दवाई लेने के लिए, तो वो अभी तक आई नहीं है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कुछ खरीद रही होंगी लाइक टॉफी चिप्स वगैरह, और मैं अभी ना बिस्तर ठीक कर रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए हैं। ये लगा है वाईफाई जो कि 5G वाला वाईफाई है, और अच्छा खासा इसका जो नेटवर्क है वो पकड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इंस्टाग्राम के मैं ढेरों ढेरों रील्स देख लेती हूँ, खुद भी बना लेती हूँ। सो अगर आप लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना। देख रहे हो 9:30 बज रहे हैं, यहाँ पे मैंने बिस्तर थोड़ा सा ठीक कर दिया है क्योंकि बच्चों की वजह से बिस्तर ठीक नहीं रह पाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब ठीक नहीं रह पाता है तो हम ठीक भी नहीं करेंगे। मंस मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं, ये देखो चाय का कप और पानी का ग्लास मैं लेके जा रही हूँ, तो अभी भी परेशान कर रहे हैं, तो इनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा आप जितने जल्दी हो सके आ जाना क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, अब 9:30 बज रहे हैं, कब बनाऊंगी कब खाऊंगी। हालांकि मुझे खाना बनाने में बहुत वक्त नहीं लगता है, मैं 22-30 मिनट में खाना कैसा भी हो बना के रख देती हूँ, और फिर आज तो बहुत ही ईजी वाला खाना बनना है लाइक बैगन की सब्जी और क्या बोलते रोटियाँ। देखो जरा इस बदमाश बच्चे को देखो, ये देखो क्या किया इसने, देखो ये जो बर्तन वाला ड्रॉच है इसको खोल दिया है इसने, इसको बिल्कुल चैन नहीं है, और मैं सिर्फ आलू कट कर रही थी, ये देखिए मैं यहाँ पे ना सब्जी कट करके रखी है मैंने, ये देखो दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे देखो आलू बैगन कट करके रखे हैं, यहाँ पे ये प्याज कट, इतना सा काम करने के लिए ना ये भाई साहब जो वहां से हैं, ये देखो फिर शरारत ढूंढ रहे हैं, डस्टबिन के पास जा रहे हैं, किचन का डस्टबिन है बाबू क्यों कर रहे हो, डस्टबिन है ना, नहीं आ रही समझ में काए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल में अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्या, जीरा मेथी और थोड़ी सी हींग, उसके बाद मैं ये जो प्याज और थोड़ा सा उसमें मैंने लहसुन और अदरक दोनों को अच्छे से क्रश कर दिया है, इसमें बहुत अच्छे से कट जाता है मतलब बारीक बारीक, तो वो डाल दिया था जैसे ही वो गर्म हो गया था,
और आप लोग पूछें उसके पहले मैं बता दूं कि जो ऑयल में काला काला था ना, तो पहले मैंने पूड़ियाँ तली थी तो वही था, भजिए वगैरह बनाए थे तो वही वाला ऑयल यूज़ किया था मैंने इसलिए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, जब वो प्याज और अदरक लहसुन ब्राउन हो गया था तब मैंने टमाटर डाला था, ठीक है। तो टमाटर को भी मैंने बहुत मतलब बारीक कटा था, क्योंकि मुझे मसाला ऐसा वाला नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं चाहिए था, मोटा भी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा दरदरा टाइप का चाहिए था। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और इसको अच्छा पानी डाल के हम पका लेंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैंने आटा लगा लिया है। ये देखिए ये है आटा, मतलब जो लगाया था वो, और ये जो थोड़ा सा आटा है ये फ्रिज में रखा था वो। तो हम जब तक हमारा मसाला जो है आप देख सकते हैं पक गया है, जब तक हमने अपना आटा लगा लिया है। अब इसमें हमें क्या डालना है, आलू बैंगन जो मैंने काट के रखे हुए थे, तो मैं आलू बैंगन डाल दूंगी इसमें। अच्छे तरीके से हमें सारे आलू बैंगन डाल देने हैं, और क्योंकि मैं हाथ से ही शूट कर रही थी तो मैं आपको एकदम दिखा नहीं पा रही थी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ यहाँ पे बोल बोल के। तो इस तरीके से हमने सारे आलू बैंगन डाल दिए, अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, और इसको बहुत अच्छे से आपको मिलाना है। तो ये देखिए मिला दिया, और मैंने फ्लैश चला लिया था ताकि आपको दिखे कि ये कैसा लुक दे रही है, ठीक है। तो मिलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको कैसा चाहिए, ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए या थिक चाहिए या फिर पतले टाइप की ग्रेवी चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। एंड आप देख सकते हैं ये तवा, कल हमने ना पराठे बनाए थे पर टाइम नहीं था कि इसको घिस घिस के मांजा जाए, इसलिए ये काफ़ी गंदा सा दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैंने साफ़ कर लिया है, तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो क्लीन रहेगा। होता है ना कई बार आपको टाइम नहीं मिलता है, तो बस मेरे साथ भी वही था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो एक साइड मैंने सब्जी कुकर में चढ़ाई दी है, दूसरी साइड मैं रोटी सेकने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी बनना हो गई हैं रोटियाँ स्टार्ट, बस अब रोटी सेक के थोड़ी सी पापड़ सेक लूँगी और हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। सिंपल सा खाना बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा तामझाम किया भी नहीं था, मैं करती भी नहीं हूँ। दिन में सिंपल दाल चावल चटनी और सैलड हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो चल जाता है, और पापड़ ये होता है रात का खाना, रोटी और सब्जी, तो ऐसा ही खाना होता है। और मेरी लाइफ से काफ़ी लोग रिलेट करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ बच्चे तो हैं ही, तो रिलेट करना तो बनता है। तो चलिए हमारा खाना हो गया है रेडी, अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया है, ये देखिए मैं रोटी और नमक सैलेड सब्जी, सब्जी का लुक कुछ इस तरीके से आया है, और ये लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो हम सब बैठते हैं, चारों ही बैठते हैं। मिशिका अपनी यहाँ पे मेहंदी दिखा रही थी, देखो मम्मा मैंने मेहंदी लगा ली है, देखो उसकी मेहंदी। और अब हम चारों मिलके खाना खा लेंगे, और ऐसे ही बैठना चाहिए, बच्चों को साथ में बिठा लेना चाहिए, इससे खाना खाना सीखते हैं वो। हम लोग महादेव देखते देखते जो है खाना खा रहे हैं, और रस्सी वाली सब्जी आलू बैगन की हमने बहुत टाइम बाद खाई, महीनों बाद खाई है, मतलब अभी तो मैंने तो खाई तक नहीं है। बाबू मुझे खिलाएंगे, तो फर्स्ट बाइट बाबू खिला देंगे, उसके बाद मैं मेरा खाना शुरू करूंगी हमेशा की तरह। और मैं पापा को खिला दूंगी। हाँ आप पापा को खिला देना, फिर मम्मा को खिला देना। जरूर ट्राई करना, अच्छा बना है। चलो हम खाना खा लें, एक नंबर बना है। हम सारे खाना खा लेंगे, एक नंबर, बहुत टाइम बाद खाया है। वास्तव में बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। तो हम सब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 2 बजने वाले, मेरे आंखों से लिटरली आंसू निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। मैंने खाना खाने के बाद ना व्लॉग स्टार्ट ही नहीं, मतलब एंड नहीं किया। मैं आई हूँ यहाँ पे ये विक्स के कैप्सूल लेने, विक्स लेने एंड मेरी दवाइयाँ लेने, जो कि मैंने स्किप कर दी थी। बाबू लेके आए थे बट मैंने सोचा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अब दिक्कत हो रही है, जैसे जैसे सोने को हो रही हूँ वैसे वैसे दिक्कत हो रही है। इन्हें मैं मेरी पूरी रजाई में लगाने वाली हूँ, जो मैं ओढ़ूँगी, अपने कपड़ों में भी लगाने वाली हूँ, प्लस मैं दवाई खाने वाली हूँ, विक्स भी लगा लूँगी। विक्स मैंने लगाई बट वो विक्स काम नहीं कर रही, वो बच्चों वाली विक्स होती ना बेबी विक्स, वो यूज़ की है। अभी मैं मेरी वाली विक्स लगाऊँगी, वो थोड़ी असर जल्दी कर देगी। आई डोंट नो सुबह मैं इस ब्लॉग को एंड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट अगर ये लेंथी होगा तो
अभी मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ, मन तो मेरा सोने का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे लेट रही हूँ ना लिटरली ढक जा रही हूँ सर्दी से, ऐसी हो रही है, खांसी आ रही है, बच्चों के सामने खांस भी नहीं सकती हूँ। कैप्सूल वगैरह लगा लेती हूँ। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।